Let's student, we start with our heredity means chapter number 5. This chapter number 5 is regarding the heredity and Mendel's law. Here we are understanding some special Mendelian heredity in being. Mendelian heredity means that is a we should say that what is it? So it is a one kind of irregularity seen in that irregularity किसमे मिलती हैगी genes में मिलती है. तो देखो अगर जो genes में irregularity आई तो क्या होगा? Simple, our all characters are based on the genes. हमारे में जो gene है DNA में जो gene है तो बोलो जीन ये डीएनए डीएनए में जो जीन है तो वो जीन में से क्या बनता हैगा एमआरएनए एंड दैट एमआरए लीड्स टू फॉर्म व्हाट प्रोटीन्स. तो ये जो प्रोटीन्स बनता हैगा तो वो प्रोटीन फिर फंक्शन करता है. सपोज क्या हुआ ये जीन में डिफेक्ट आ गया तो ये एमआरएनए में डिफेक्ट आएगा. इफ mRNA become defective, then that protein will become defective. And at that time, what will be happen? Our function, ये gene और इसको बोलेंगे genotype defective हो गया. Protein से हमारे function यानी phenotype में defect आ गया. तो ये जो आता हैगा, इसको हम क्या बोलेंगे? Mendelian irregularities. अब देखो ये मेंडेलियन इरेगुलरिटी आती हैगी म्यूटेंट हो जाता है म्यूटेशन हो जाता हैगा. ऐसा दूसरा आता हैगा क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल इरेगुलरिटी है वो बाद में देखेंगे. अभी वी आर गोइंग टू स्टडी मेंडेलियन. मेंडेलियन मींस ओनली दैट म्यूटेंट म्यूटेशन इज फाउंड इन पर्टिकुलर जीन. इसके अलग अलग स्टडी करने की जो पेडिग्रीन है वो सब है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. लेट्स वी स्टडी वन बाय वन एग्जांपल्स. फर्स्ट हियर वी विल स्टार्ट विद द कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस? वी हैव आवर जीन्स दैट हैव इफेक्ट ऑन आवर आईज. कौन सेल रेटिना के कौन सेल पे इफेक्ट करते मींस क्या? बरोबर स्टेप बाय स्टेप समझना. इन आवर सेल इन आवर न्यूक्लियाई वी हैव क्रोमोसोम. इन दिस क्रोमोसोम हियर एट पर्टिकुलर दैट जीन व्हेन प्रोड्यूस एमआरएनए दैट एमआरएनए मूव टू द राइबोसोम टू प्रोड्यूस द प्रोटीन्स. और ये जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन जाके वो कौन सेल पे ऐसा इफेक्ट करता है? ड्यू टू डेट इफेक्ट क्या होता हैगा? वो रेटिना में जब भी कोई इमेज बनती है हम कुछ भी चीज विजन करते देखते हैं तो क्या होता हैगा? वो कौन सेल एक्साइट होते हैंगे. तो ये जो प्रोटीन है वो कौन सेल में रेड कलर को आइडेंटिफाई करने का एक्साइटमेंट लाता हैगा एंड एज वेल एज ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने का एक्साइटमेंट. अभी जो हमारे एग्जांपल में कलर ब्लाइंडनेस वो रेड एंड ग्रीन कलर का है. बरोबर समझना है इसमें. जब मैंने लास्ट ईयर और इवन इन गुजराती मीडियम ये एक्सप्लेन किया था तो व्हाट हैपन एक स्टूडेंट ने आके पूछा सर व्हाट्स अबाउट द अदर कलर. और मैंने अदर कलर के लिए भी ऐसे जीन है बट कलर ब्लाइंडनेस हमारी ए बुक में जो एग्जांपल है वो रेड एंड ग्रीन कलर का है. व्हाट इज रिलेटेड टू दिस रेड एंड ग्रीन कलर? तो जो जीन है दैट जीन एमआरएनए बनाता है वो एमआरएनए प्रोटीन बनाता है. वो प्रोटीन कौन सेल पे इफेक्ट करता है? ड्यू टू दैट जब हम कुछ भी देखते हैं तो उसकी इमेज जब रेटिना पे फॉर्म होती है तो वी कैन आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर. बट व्हाट हैपन सपोज दिस जीन गेट डिफेक्टेड म्यूटेंट हो गया. जीन म्यूटेंट हो गया तो एमआरएनए म्यूटेंट हो जाएगा. एमआरएनए म्यूटेंट हो जाएगा तो प्रोटीन फॉर्मेशन खराब हो जाएगा. जो प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन विल बी नॉट फॉर्म.
प्रोटीन अगर जो प्रॉपर नहीं आया तो कौन सेल में उसकी एक्टिविटी, उसका प्रोसेस नहीं होगा। इफ दैट प्रोसेस नॉट ही टेक प्लेस देन व्हाट विल बी हैपन, दैट फेलो विल कैन नॉट आइडेंटिफाई रेड एंड ग्रीन कलर बाय बर्थ टाइम। उसको रेड एंड ग्रीन कलर दोनों एक सेम टू सेम दिखते। नोबडी कैन नो डेट कि उसको दोनों ग्रीन दिख रहे कि उसको दोनों रेड दिख रहे कि एक न्यू कलर उसको दिख रहा है जो हमको दिखता ही नहीं है। सरप्राइजिंग है। स्टूडेंट बोलते सर ऐसा कैसे हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो लुक हियर, जो जीन आइडेंटिफाई हुआ वो कौन से क्रोमोसोम पे हुआ, तो लुक वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट पेयर टू 22nd पेयर क्रोमोसोम्स आर नोन एज द ऑटोसोम्स एंड 23rd पेयर ऑफ द इज द अवर सेक्स क्रोमोसोम। ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स है दे आर ऑफ द टू टाइप, इन मेल इट इज एक्स वाई एंड फीमेल इट इज एक्स एक्स, दी बोथ एक्स दीज एक्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल। एंड अदर थिंग इज दैट ऑन दिस एक्स क्रोमोसोम वी डू नॉट हैव ओनली जीन्स रिलेटेड टू द मेल और एंड फीमेल, मेल और फीमेल से डिटर्मिनेशन का ही एक्स पे जीन नहीं है। दिस एक्स क्रोमोसोम ऑल्सो हैव सम नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर जीन्स। वो जो नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर जीन है वो ये हैगा, कौन सा, ग्रीन एंड रेड लाइट को, सॉरी ग्रीन एंड रेड कलर को आइडेंटिफाई करने का। सो बी केयरफुल, वी आर गोइंग टू स्टडी द 23rd पेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ द क्रोमोसोम दैट इज ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ओनली किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। सो नाउ व्हाट हैपन, चलो ये एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव हो गया तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल सी मींस डोमिनेंट नॉर्मल एंड स्मॉल सी इज द व्हाट, रिसेसिव व्हिच इज द म्यूटेंट। इसमें जो म्यूटेशन हो जाता हैगा जो भी बंदे में होता होगा दैट म्यूटेशन म्यूटेंट जीन इज नॉट डोमिनेंट, दैट म्यूटेंट जीन इज द रिसेसिव दैट इज अ बेनिफिशियल टू अस। नाउ लुक व्हाट हैपन, अपर जो तुमको इतना समझ में आया तो अब समझो, इफ देर इज एनी फीमेल व्हाट विल बी हैपन इन फीमेल, बोलो फीमेल में देर आर द टू एक्स नंबर्स ऑफ जीन्स आर देर बट हियर वी आर कंसीडरिंग ओनली रिगार्डिंग द कलर, तो बोलो ये फर्स्ट एक्स पे डोमिनेंट है, सेकंड एक्स पे भी डोमिनेंट है, मीन्स उसमें म्यूटेंट नहीं हुआ, सो दिस फीमेल इज द नॉर्मल। बोलो बट बोलो वो 23rd पेयर में एक एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट है एंड सेकंड क्रोमोसोम पे रिसेसिव है, सो व्हाट विल बी, दिस फीमेल इज नॉर्मल बिकॉज सी कैन आइडेंटिफाई कलर इजीली बिकॉज ही सी हैज द नॉर्मल जीन रिगार्डिंग द कलर आइडेंटिफिकेशन, बट एट द सेम टाइम सी हैज द रिसेसिव म्यूटेंट जीन, सो व्हाट विल हैपन पर्टिकुलरली दिस काइंड ऑफ लेडी, उसका जो न्यू प्रोजेनी फॉर्म होते हैं उसके बच्चे होते तो क्या होता है, सी कैन ट्रांसफर दिस टू द उसके बच्चों में वो ट्रांसफर कर सकता है, ये लेडी ये इसके बच्चों में ये ट्रांसफर कर सकती है, डोमिनेंट को भी ट्रांसफर कर सकती है एंड रेसेसिव की भी, डोमिनेंट को करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डोमिनेंट के लिए तो वो खुद भी नॉर्मल है, बट बोलो ये रिसेसिव अगर जो उसके बच्चों में ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, सी इज द नॉर्मल बट सी इज ट्रांसफरिंग दिस फ्रॉम हरसेल्फ टू हर चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई सी इज नोन एज द कैरियर, सी इज कैरिंग दैट म्यूटन म्यूटेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, हेंस दिस इज कॉल्ड एज द कैरियर वुमैन। बरोबर समझना इसको, बुक के वर्डिंग्स में बाद में लेते, हमको नॉर्मल वर्ड में इसको पूरा मगज में समझ में आ जाना चाहिए। चलो फीमेल में भी बोलो सेक्स क्रोमोसोम तो एक सी रहेगा, बोलो ई बोथ आर द रिसेसिव, दोनों उसके अंदर ऐसे एक्स आ गए कि उसके अंदर कलर का जीन कैसा हैगा, कलर का जीन कैसा हैगा, तो वो कलर का जीन म्यूटेंट हैगा, सो व्हाट विल बी हैपन,
दिस फीमेल विल बी हरसेल्फ विल ऑल्सो कलर ब्लाइंड. हरसेल्फ विल बी कलर ब्लाइंड. नॉट ओनली हरसेल्फ रिमेन कलर ब्लाइंड बट सी ऑल्सो ट्रांसफर दिस ब्लाइंडनेस टूवर्ड्स द कलर ब्लाइंडनेस टूवर्ड द नेक्स्ट जनरेशन. सो लुक इन फीमेल देर आर द थ्री पॉसिबिलिटीज. नंबर फोर सॉरी मेल में देखते हैं. मेल हैज द एक्स वाई ओनली वन एक्स. इफ दिस एक्स इज द नॉर्मल देन दिट नॉर्मल दिस पर्सन विल बी नॉर्मल और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. बट सपोज दिस वन एक्स इज दैट इज द रिसेसिव व्हाट विल बी हैपन. दिस फेलो विल बी कलर ब्लाइंड. तो बोलो यहां फीमेल में थ्री पॉसिबिलिटीज थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटीज टोटली नॉर्मल नॉर्मल बट कैरियर एंड कलर ब्लाइंड. तो कलर ब्लाइंड की कितनी पॉसिबिलिटीज है आउट ऑफ थ्री ओनली वन. मेल में कितनी है आउट ऑफ टू वन. मींस बोलो ऐसे अपने देखने जाएंगे तो 33% कलर ब्लाइंड में इसकी फीमेल में है और मेल में कितनी है 50% है. बट उसके लिए ऐसा कोई फन पी जनरेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कैसा हो प्रॉब्लम रिसेसिव का. हमारे नॉर्मल सोसाइटी में तो हमारे जो फीमेल रहती है वो नॉर्मल ऐसी रहती है मेल ऐसा रहता है. अगर जो मेल एंड फीमेल पी जनरेशन में म्यूटेंट है ही नहीं तो उसकी F1 जनरेशन फिर वो F1 में से F2 आगे कुछ वो पास होगा ही नहीं. उसके लिए हमको बहुत इसका आइडिया आता नहीं है. लेट वी हैव सम एग्जाम्पल ऑफ दिस. बिसाइड दिस हम बहुत दूसरे भी एग्जाम्पल करेंगे. मैंने लास्ट वीडियो में बोला था बट वो कब करेंगे ये चैप्टर ओवर होगा तब एक्स्ट्रा पॉइंट में करेंगे. चलो इसको हम समझते हैं कलर ब्लाइंडनेस. बोलो अ फीमेल इज नॉर्मल. फीमेल इज नॉर्मल सी मेरी विद द कलर ब्लाइंड मेल. देखो जितने भी मैं चार्ट कराता हूं तुमको नोटबुक लेके उसको सोल्व करना आएगा. दैट फीमेल इज नॉर्मल सी मैरी विद द कलर ब्लाइंड मेल. बोलो नॉर्मल फीमेल है मींस सी इज द हेट होमोजाइगस डोमिनेंट बिकॉज बोथ एक्स आर हैविंग द डोमिनेंट. सो इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट. ही आर नॉट रिलेटेड द एक्स एक्स है तो होमोजाइगस नहीं. डोमिनेंट रिसेसिव के कंसर्न में ये कैसा आएगा होमोजाइगस डोमिनेंट. कलर ब्लाइंड मेल है तो इसमें एक्स रिसेसिव एंड वाई. सो दिस इज कॉल्ड पी जनरेशन. नाउ एवरी टाइम व्हेन एवर आई एक्सप्लेन दिस आई ऑलवेज गो थ्रू द गैमेट्स. सो लुक हियर व्हाट एवर ओएम आर फॉर्म दैट इज विद द व्हाट द एक्स डोमिनेंट. ने बोलो यहां से जो स्पर्म फॉर्म होगा वो कैसा रहेगा एक्स विद द रिसेसिव एंड वाई रिसेसिव. स्पर्म्स आर टू टाइप एक्स रिसेसिव एंड वाई रिसेसिव. व्हाट विल बी हैपन. सो लुक हियर व्हेन दिस ओवा फर्टिलाइज बाय दिस स्पर्म. तो बोलो उनका ये जो चाइल्ड रहेगा वो चाइल्ड कौन सी होगी तो डॉटर होगी. वाई दैट चाइल्ड इज डॉटर बिकॉज बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्स एंड सी विल बी नॉर्मल. वाई सी विल बी नॉर्मल. बोलो वो चाइल्ड क्यों नॉर्मल रहेगी बिकॉज सी हैज द डोमिनेंट एक्स बट एज वेल एज सी विल बी कंसिडर एज अ कैरियर. वाई इट विल बी कंसिडर एज अ कैरियर. उसमें रिसेसिव आ गया उसके फादर में से उसमें रिसेसिव आया तो वो होगी तो नॉर्मल बट उसकी जब चाइल्ड होंगे तो उसको वो पास करेगी. बोलो यहां से अगर जो ये ओवाईएस पम को बोलो फर्टिलाइज होता है तो बोलो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स डोमिनेंट यहां से मिला एन वाई विल बी सन एंड दिस सन विल बी ऑल्सो नॉर्मल. हियर देर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैरियर. तो बोलो मेल में है तो फादर में से उसका हेरिडिटी किसको मिलती है डॉटर को मिलती है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द एक्स. बरोबर समझो मेल में से फादर में से हेरिडिटी डॉटर को मिलती है सन को नहीं मिलती. चलो दूसरा एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं. ये पूरा चार्ट तुमको वीडियो
वीडियो रोक के ने क्या करना है, अपने आप से ड्रॉ करना है। चलो अब दूसरा, फीमेल इज द नॉर्मल बट कैरियर एंड मेल इज नॉर्मल। हम देखते हैं, हम अलग अलग सब चार देखेंगे, फीमेल नॉर्मल कैरियर एंड मेल अब नॉर्मल। पहले बोलो क्या हमने लिया, फीमेल कैसी ली, फीमेल नॉर्मल, एंड मेल कैसा लिया था, तो मेल कलर ब्लाइंड लिया था। अब ये दूसरा चाइल्ड है, बोलो दूसरा कैसे, बोलो दूसरा केस स्टडी हम करते, फीमेल नॉर्मल एंड कैरियर एंड मेल इज द नॉर्मल। बोलो फीमेल नॉर्मल कैरियर मींस सी हैज टू एक्स क्रोमोसोम, वन इज डोमिनेंट, सेकंड इज रिसेसिव। मेल, मेल जो है बोलो वो मेल कैसा आएगा, नॉर्मल है, मींस ही हैज ओनली वन एक्स एंड वाई। सो लुक दिस इज कॉल्ड पी जनरेशन। Why what now what happen here? Here also we go for the gametes. So look here, those ova are formed. They are of the two type, X with dominant and X with the recessive. A student ने मेरे को यहाँ बोला था, सर आप ही ने तो पढ़ाया था कि female में से ova एक ही type का बनता है। हाँ, when we are considering the what sex chromosome. रिगार्डिंग द सेक्स क्रोमोजोम दीज बोथ आर द सेम, बट सेक्स क्रोमोजोम पे जो जीन है, रिगार्डिंग कंसिडरिंग दैट जीन, वन एक्स क्रोमोजोम हैज द डोमिनेंट जीन एंड सेकंड एक्स क्रोमोजोम हैज द रिसेसिव जीन। नाउ लुक हियर, हियर विद द डोमिनेंट एंड दैट अदर इज वाई। देखो ऐसा होता है तो क्या, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड फर्स्ट, सेकंड सेकंड, ऐसा भी ले सकते हैं, या तो बोलो क्या ले सकते हैं, फर्स्ट फर्स्ट फिर सेकंड फर्स्ट फिर फर्स्ट सेकंड सेकंड सेकंड, बरोबर देखना। तो बोलो हम अपने यहां से अपने स्टार्ट करेंगे, पहले ये फर्स्ट फर्स्ट यानी ये ओवा ये स्पर्म, अगर जो ऐसा फर्टिलाइजेशन हुआ तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दैट चिल्ड्रन विल हैव द बोथ द एक्स क्रोमोसोम due to the presence of X, this child will be daughter, as well as बोलो यहाँ पे क्या है, dominant है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, dominant है, means this daughter will be normal, समझ में आता है। चलो अब ये लेते हैं यहाँ पे, ये first first, फिर second first, यहाँ पे दोनों ले लेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे, चलो यहाँ से ये लेंगे, तो बोलो ये ova, ये पम को फर्टिलाइज होता हैगा, तो बोलो यहाँ से क्या आया, यहाँ से एक्स कैसा आया, रिसेसिव आया, यहाँ से एक्स कैसा आया, डोमिनेंट, डोमिनेंट पहले लिखा, रिसेसिव बाद में लिखा, सो हियर दिस इज ऑल्सो डॉटर बट सी विल बी नॉर्मल एज वेल एज सी विल बी कैरियर। हो गया, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, तो अब बोलो वंस अगेन, इसका इसके साथ नहीं, इसका इसके साथ फर्टिलाइजेशन लेंगे, तो बोलो यहाँ से ये आया तो बोलो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बोलो क्या आया एक्स, और बोलो यहाँ से सॉरी ये जी अपने लेने का आएगा, तो बोलो ये एक्स नहीं ये वाई, एक्स कौन सा आया, डोमिनेंट आया, तो बोलो ये अपने कौन हैगा, सन हैगा, ने सन कैसा आएगा, नॉर्मल हैगा। चलो अब इसको लेते हैं, इसका और ये स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो बोलो यहाँ से एक्स आया, यहाँ से वाई आया, बट दिस एक्स इज विद द म्यूटेंट जीन, तो बोलो ये एक्स वाई है सन, बट सी दिस फेलो हैज द म्यूटेंट जीन, सो ही वाज द कलर ब्लाइंड। तो बोलो फ्रॉम हियर यू कैन मेक आउट फ्रॉम मेल, हमने जो प्रीवियस चार्ट करा था, मेल में से अगर जो कलर ब्लाइंडनेस का एक्स पे है तो वो खाली उसकी फीमेल चाइल्ड को ही जाएगा, बट बोलो फीमेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस का है तो बोलो उसकी डॉटर को भी जाएगा और सन को भी जाएगा। बट डॉटर बोलो कैसी बनती हैगी, डॉटर नॉर्मल बट कैरियर, सन यानी कैसा बनता है, कलर ब्लाइंड बनता है। बट देखो कितने ने स्टूडेंट बोले सर आप ही ने तो सिखाया था कि देर आर द 50-50 चांसेस ऑफ द सन एंड डॉटर, तो है ने 1, 2, 3, 4 ये दो डॉटर है, 4 में से देर आर 2 चांसेस ऑफ द डॉटर मींस 1, 4 में से 2 चांसेस ऑफ द सन मींस
वन मीन्स डॉटर रहेगी कि सन रहेगा, उसका 50-50% चांस है। बट बोलो वो जो डॉटर रहेगी उसमें भी 50-50% चांस क्या रहेगा, नॉर्मल का एंड कैरियर का। ने जो सन है वो सन में भी 50-50%, वो 50% में से भी 50% मीन 25-25% नॉर्मल एंड कलर ब्लाइंड। मीन्स बोलो एंड सेकंड उसके ने उसका हस्बैंड कैसा है तो नॉर्मल मेल है, तो उसके ने एवरी टाइम प्रेगनेंसी में क्या चांस रहेंगे, 4 चांसेस। फर्स्ट प्रेगनेंसी आई में पॉसिबल के डॉटर नॉर्मल हो सकता है, में पॉसिबल डॉक्टर डॉटर नॉर्मल एंड कैरियर हो सकता है, में पॉसिबल के सन नॉर्मल हो सकता है, में पॉसिबल के सन कलर ब्लाइंड हो सकता है, इसमें से कोई एक ही वो आएगा। चलो आफ्टर 3 इयर्स वंस अगेन सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हुई, सेकंड टाइम प्रेगनेंसी हुई तो वंस अगेन उसके गैमेट्स तो ऐसे ही बनेंगे, वो कोई भी फर्टिलाइजेशन होगा, तो वंस अगेन दीज 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर, इसमें से कोई भी एक उसका चाइल्ड हो सकता है। उसके 3 इयर्स के बाद में वंस अगेन सी बिकम द प्रेगनेंट, सो वंस अगेन देर आर द चांसेस ऑफ दीज 4 टाइप ऑफ द P1 जनरेशन। तो ये हमने लिया सेकंड। चलो अब हम लेते हैं बोलो फीमेल बट कलर ब्लाइंड एंड मेल भी कैसा कलर ब्लाइंड। चलो मेल भी कलर ब्लाइंड हम मेल लेते हैं और उसका हम समझते हैं। बोलो कलर ब्लाइंड है मींस ये मेल के अंदर तो एक ही ऐसा रिसेसिव रहेगा, तो बोलो यहां से उसके गैमेट्स बनेंगे। बोलो गैमेट्स बनेंगे तो बोलो यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। एक्चुअल व्हेन वी कंसीडर द सेक्स क्रोमोसोम ओनली वन टाइप ऑफ एक्स मींस ऑल आर कंसीडरिंग एज द वन टाइप दैट कैरी द एक्स क्रोमोसोम, बट हाफ ऑफ देम कंसीडरिंग द डोमिनेंट एंड हाफ ऑफ देम कैरिंग द रिसेसिव। बोलो स्पर्म में जो बना तो बोलो स्पर्म में जो एक्स वाला स्पर्म बनेगा वो रिसेसिव है और वाई वाला उसमें वाई में तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। चलो बोलो यहाँ से जब उसका F1 जनरेशन है तो बोलो यहाँ से कौन सी पॉसिबिलिटी है। बोलो ये एक को जब ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा व्हाट विल बी हैपन हियर, बोथ द क्रोमोसोम विल बी एक, वन विल बी डोमिनेंट एंड सेकंड विल बी रिसेसिव। चलो इसी को यहाँ सेकंड को इसके साथ में ही ले लेते हैं तो बोलो जब ये फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बोथ विल बी एक्स, वन एक्स इज रिसेसिव हियर एंड हियर सेकंड इज ऑल्सो रिसेसिव। चलो अब यही लेते हैं बोलो ये एक है जो ये एक अपने ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता हैगा, हाँ ये पहले वाला पहले के साथ दूसरे वाला पहले के साथ, तो अब हाँ दूसरा आएगा ना। अच्छा अच्छा बोलो ये जो आता है इसको इन्हें फर्टिलाइज करता हैगा, बोलो तो क्या आएगा यहाँ से एक्स डोमिनेंट एंड वाई। चलो बोलो ये इसको फर्टिलाइज करता है तो बोलो यहाँ से क्या आएगा एक्स रिसेसिव एंड वाई, तो बोलो यहाँ पे भी चांसेस तो ऐसे ये दो डॉटर के और दो सन के 50-50%, बट व्हाट विल बी हैपन हियर। बोलो यहाँ पे ये 50% जो गर्ल चाइल्ड के चांस है उसमें उसके 50% बोले कौन से चांस है, गर्ल चाइल्ड कैरियर या गर्ल चाइल्ड कलर ब्लाइंड। बोलो सन में भी 50% में से 50% क्या है सन नॉर्मल और सन कलर ब्लाइंड। मीन्स एवरी टाइम प्रेगनेंसी में बोलो क्या है 25% में भी पॉसिबिलिटी डॉटर विथ कैरियर, 25% डॉटर विथ कलर ब्लाइंड, 25% चांसेस ऑफ द सन नॉर्मल, 25% चांस सन कलर ब्लाइंड। चलो यहाँ से अब हम दूसरा आपने लेंगे बोलो क्या कलर ब्लाइंड एंड कलर ब्लाइंड। बोलो दोनों कलर ब्लाइंड बनते हैं, बोलो दोनों कलर ब्लाइंड बनेंगे तो क्या बनेगा, यहां से अब हमको समझ में आना चाहिए बोथ आर द कलर ब्लाइंड। ही बोथ आर द कलर ब्लाइंड व्हाट विल बी हैपन हियर, बोलो जो भी एक बनेगा ये एक एक्स विद द रिसेसिव, ये दूसरा टाइप में भी जो एक बनेगा वो रिसेसिव। मींस बोलो यहाँ पे दोनों एक एक जैसे ही बनते मींस उसको सेम एक ही नंबर लिखेंगे। चलो यहाँ से स्पर्म बनेगा वो रिसेसिव एक्स वाला बनेगा और एन वाई का, वाई में तो कोई है नहीं। बोलो ये ओवा को ये स्पर्म फर्टिलाइज करता तो क्या होगा हियर बोथ एक्स विल बी रिसेसिव मीन्स दिस विल बी डॉटर एंड बोथ एक्स आर द
रिसेसिव मीन्स दिस डॉटर इज द कलर ब्लाइंड। चलो ये टाइप का ही ओवा बनेगा, जितना भी बनेगा तो बोलो इसमें से बताएंगे। बोलो ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो बोलो क्या बनेगा, सन एंड कलर ब्लाइंड। ऐसे अलग अलग तुमको कोई भी चार्ट आने चाहिए। और एक स्टूडेंट ने आके ने पूछा था, ए सर कब कलर ब्लाइंड बनेगा, क्या बनेगा, आप इन्हें हमको लिखा दो यहाँ से सन ने डॉटर का सर। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल भी है बट क्यों ऐसा रट्टा लगा के मगज को इतनी मेमोरी अंदर की यूज कर लेने की, डायरेक्ट ऐसा एक चार्ट बना दो मिल जाएगा तुमको आंसर। सो दिस इज कॉल्ड रिगार्डिंग द कलर ब्लाइंडनेस। अब ऐसा ही एग्जैक्ट दूसरा है हीमोफीलिया। व्हाट इज द हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के भी चार्ट यही के यही चार्ट रिपीट होंगे और कुछ नहीं होगा। बट पहले समझो व्हाट इज द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया इज अ इरेगुलरिटी डिसऑर्डर रिगार्डिंग द ब्लड क्लोटिंग। हमको जब कुछ लगता है तो क्या होता है, ब्लड क्लोट होता है, वो ब्लड ब्लीडिंग होता है, वो ब्लीडिंग होता है, ब्लड जब बाहर आता है तो क्लॉट हो जाता है। फॉर दैट ब्लड क्लोटिंग नंबर्स ऑफ एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, सो ऑल दीज एंजाइम प्रोटीन्स आर नेसेसरी। नंबर्स ऑफ प्रोटीन्स, 14 प्रोटीन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फ्रॉम दैट वन प्रोटीन। वो कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, वो डिटेल में अभी उनको नहीं जाना है, वो तुम जब अपने MBBS करोगे तब पता चल जाएगा। अभी तो तुमको यही हेरिडिटी इतनी आनी चाहिए, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, वो प्रोटीन का जीन हमारा एक्स क्रोमोजोम पे है। मीन्स ये भी ऑटोजोमल जीन है बट वो है कौन से क्रोमोजोम पे, एक्स क्रोमोजोम। मीन्स कौन सा क्रोमोजोम हुआ, सेक्स क्रोमोजोम हुआ। है क्या वो, ऑटोजोमल जीन, बट किस पे प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी उसके जैसा वी ऑल है वो नॉर्मल बॉडी अवर के, वो आता है ना ब्लीडिंग होता है ना वो कॉन्गुलेट हो जाता है। मींस हमारे एक्स क्रोमोजोम पे क्या आएगा, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। तो बोलो ये एक्स क्रोमोजोम पे जहाँ जीन है वो जीन पे से mRNA बनता है, जीन इज नॉर्मल सो mRNA इज नॉर्मल। वो mRNA नॉर्मल है तो बोलो क्या होता है, उस पे से जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन मीन्स बोलो क्या बना, एंजाइम, वो एंजाइम नॉर्मल है। तो हमारे में जब भी रिक्वायर्ड होती है ब्लीडिंग होता है तो ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। देर आर फ्यू अनलकी पीपल के उनके एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन म्यूटेंट है। बोलो जीन म्यूटेंट हुआ तो mRNA डिफेक्टिव बनेगा, mRNA डिफेक्टिव बनेगा तो प्रोटीन मीन्स एंजाइम विल बी डिफेक्टिव, दैट डिफेक्टिव प्रोटीन विल नॉट हैव इफेक्ट। तो उनके अंदर जब उनको इंजरी होती है, ब्लीडिंग होता है तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है। अब ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा तो पूरे बॉडी का ब्लड निकल जाएगा, उनकी डेथ भी होती है, नहीं भी होती है, वो सब फिर वो अलग अलग बहुत डिटेल में दूसरे को जाता है। यहाँ पे हमको यही समझना है कि ये क्या होता है। बोलो यहाँ पे हीमोफीलिया वंस अगेन एक्स रिसेसिव का ही है, इसमें भी प्रॉब्लम क्योंकि जो भी यहाँ म्यूटेंट बना वो एक्स क्रोमोसोम पे वो पर्टिकुलर जीन म्यूटेंट हुआ है, और नॉर्मल जीन डोमिनेंट है और म्यूटेंट जीन रिसेसिव है। तो वंस अगेन वही के वही चार्ट हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, ओनली क्या चेंज कर देंगे। बट इसके लिए ये तुमको समझना है कि एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे कलर का जीन है और यहाँ पर कौन सा आएगा, ब्लड क्लोटिंग का हैगा। कितने स्टूडेंट तो क्या समझते कि सर जो कलर ब्लाइंड रहेगा वो हीमोफीलिक ऐसा नहीं है, कलर ब्लाइंड एक अलग है, हीमोफीलिया अलग है। जो कलर ब्लाइंड है वो हीमोफीलिक नहीं हो सकता, हो सकता है मैं पॉसिबल, दोनों में अगर जो डिफेक्ट आ गई तो ऐसा तो हमको फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाके ना उसकी पेडिग्री एनालिसिस करनी पड़ेगी फिर कोई मिलेगा, या तो होता भी होगा आई हैव नॉट वो एनालिसिस मैंने नहीं किया है। सो लुक हियर व्हाट हैपन, देयर आर द सम जीन्स, वो जो जीन है उसमें से एक जीन कलर ब्लाइंड का आएगा। तो हमने पहले कलर ब्लाइंड के रिगार्डिंग स्टडी करा, बोलो ऐसा ही एक्स क्रोमोसोम पे ब्लीडिंग का आएगा तो उसको हम स्टडी करेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सब कुछ वो चार्ट वैसा सेम ही रहेगा, खाली नेम बदल जाएंगे। बोलो नॉर्मल लेडी, बोलो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो लेडी में एक्स क्रोमोसोम दो है, तो डेड फीमेल,
बोलो ये फीमेल की क्या पोजीशन रहेगी? फीमेल विल बी हैविंग द टू एक्स, टू एक्स तो बोलो यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स। बोथ आर बोलो हीमोफिलिया के डोमिनेंट है, एच अपने लिख दूंगा, तो दैट फीमेल विल बी नॉर्मल। बोलो यहाँ पे क्या हुआ, ये हीमोफिलिया है, उसका एक अपने बोलो रिसेसिव म्यूटेंट बना, तो ये लेडी नॉर्मल तो रहेगी, बट अभी हमने देखा था वैसे क्या होगा, उसके न्यू जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफर कर सकती है, मिस नॉर्मल बट कैरियर। देखो वहां कलर ब्लाइंड के लिए वो जिनको सी लिखते थे, यहाँ हीमोफिलिया के लिए एच लिखा है, चार्ट हुई के वही आने वाला है। मैं इसके लिए रिपीट करता हूँ, नहीं तो कितने स्टूडेंट आते कि सर आपने हीमोफिलिया के चार्ट नहीं करवाए थे। चलो बोथ एक्स हैव द रिसेसिव, देन दैट विल बी म्यूटेंट मींस हीमोफिलिक। सो आउट ऑफ थ्री, वन टू थ्री मींस हीमोफिलिक होने का चांस, आउट ऑफ थ्री ओनली वन मींस 33%। बट इतना भी 33% भी कम्युनिटी में हमारे नहीं देखना मिलता है, बहुत कम रहता है, बिकॉज उसके लिए भी ऐसा उनका पेरेंट चाहिए कि दोनों में हीमोफिलिया हो, फिर वो न्यू जनरेशन में आएगा। चलो मेल में हम देखेंगे तो मेल में कैसा रहता है, एक्स वाई रहता है, एक्स नॉर्मल है, वाई है, एक्स डोमिनेंट है, वाई वो है, तो वो नॉर्मल मेल रहेगा। इफ दिस एक्स हैज अ रिसेसिव एन वाई तो बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा इसके अंदर, तो वो हीमोफिलिक रहेगा। इसके ने चार्ट भी तुमको अपने जो स्टडी करे वही के वही रिपीट होंगे, बट आई विल रिपीट सम चार्ट्स, दोनों सबके सभी चार्ट ऑलमोस्ट रिपीट करूंगा। बोलो पहले हम अपने लेते हैं फीमेल, फीमेल इज नॉर्मल एंड मेल इज हीमोफिलिक। बोलो फीमेल नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल एंड मेल इज हीमोफिलिक, तो बोलो क्या रहेगा यहाँ पे, फीमेल नॉर्मल हैगी, तो नॉर्मल फीमेल मींस 2x, बोथ इज द डोमिनेंट जीन्स। मेल में बोलो क्या हीमोफिलिक है, तो उसमें रिसेसिव ओनली वन एंड दैट इज द रिसेसिव। व्हाट विल बी हैपन हियर, हियर इट विल लीड टू फॉर्म गैमेट्स। बोलो यहाँ से जितने भी ओवा बनेंगे सब ओवा डोमिनेंट वाले, यानी इसमें से भी डोमिनेंट एक साथ आए, इसमें से भी डोमिनेंट एक साथ आए, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। बोलो यहाँ पे अपने क्या हुआ, यहाँ पे स्पर्म बनेंगे तो हाफ ऑफ द स्पर्म इज द एक्स एंड दैट इज द रिसेसिव एंड हाफ ऑफ द स्पर्म विल बी हैव द वाई। बोलो जब इसकी प्रोजेनी बनेगी तो बोलो क्या चांसेस रहेंगे वहां पे, दिस बोथ विल व्हेन फर्टिलाइज, दिस ओवा फर्टिलाइज विद दिस स्पर्म, तो बोलो एक्स डोमिनेंट आएगा और एक्स रिसेसिव आएगा, मींस डॉटर, डॉटर विल बी नॉर्मल बट कैरियर। पहला भी चार्ट हमारा वो था, खाली सी था, मींस कलर ब्लाइंड के लिए हमने देखा था। बोलो ये दोनों का अगर जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो प्रेगनेंसी में जो भी उसकी चाइल्ड जब बर्थ लेगी तो एक्स डोमिनेंट एच एन वाई, मींस ये सन रहेगा एंड नॉर्मल रहेगा। तो बोलो यहाँ पे भी हीमोफिलिया के लिए बोलो क्या आएगा, क्या अगर जो फादर के पास है तो फादर से वो डॉटर में जाता आएगा, सन में नहीं जाता आएगा। मदर के पास का अब हम देखेंगे तो बोलो मदर इज नॉर्मल बट कैरियर एंड फादर इज नॉर्मल। बोलो मदर इज नॉर्मल बट कैरियर, कैरियर एंड नॉर्मल, मींस बोलो मदर के अंदर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। बोलो फादर मेल कैसा आएगा, नॉर्मल है। बोलो मेल नॉर्मल है तो बोलो ये क्या हुआ, नॉर्मल है, तो बोलो ये नॉर्मल, तो बोलो ये एक्स डोमिनेंट रहेगा। बोलो यहाँ पे ये एक्स डोमिनेंट है तो बोलो क्या रहेगा, यहाँ से गैमेट्स बनेगा, तो बोलो यहाँ से टू टाइप ऑफ ओवा रिगार्डिंग द सेक्स क्रोमोसोम बोथ आर द सेम एक्स। हम खाली सेक्स क्रोमोसोम का स्टडी करते होते तो एक ही अपने लिखते, बट हियर यू कैन मेक आउट हाफ ऑफ देम हैव द एक्स विद द डोमिनेंट एंड हाफ ऑफ देम हैव एक्स विद द रिसेसिव। बोलो हियर फ्रॉम द स्पर्म हाफ ऑफ द स्पर्म हैज द डोमिनेंट एंड हाफ ऑफ द स्पर्म हैज द वाई। तो बोलो अब जब यहाँ पे ऐसी उसको प्रेगनेंसी रहेगी तो देर आर द फोर पॉसिबिलिटीज। बोलो ये एक्स वाला ये ओवा ये स्पर्म से फर्टिलाइज करता आएगा, तो बोलो यहाँ से एक्स डोमिनेंट आएगा, यहाँ से एक्स डोमिनेंट आएगा, मीन्स दिस विल बी डॉटर, पॉसिबिलिटी ऑफ द डॉटर एंड दैट डॉटर विल बी नॉर्मल।
अगर जो बोलो ये जो है इसका ये एक के साथ में, ये एक का ये स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज हुआ, तो बोलो क्या रहेगा? यहाँ से रिसेसिव आता है, यहाँ से डोमिनेंट आता है। तो बोलो ये जो पॉसिबिलिटी आती है, तो यहाँ पे ये डॉटर रहेगी, बट डॉटर नॉर्मल एन, नॉर्मल एन कैरियर। चलो अब ये जो एक है, ये एक का ये स्पर्म के साथ अगर जो फर्टिलाइज होता है, तो बोलो क्या चांस रहतेंगे? एक्स डोमिनेंट विद द वाई, तो सी हियर इट द चाइल्ड विल बी सन एंड नॉर्मल। अगर जो ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है, तो सो व्हाट विल बी हियर एक्स एंड हियर वाई, सो दिस विल बी सम एंड दिस विल बी डिसऑर्डर्ड। समझ में आता हैगा? आगे का चार्ट ही है, 50% चाइल्ड चांसेस ऑफ द डॉटर, 50% चांसेस ऑफ द सन। चलो डॉटर में भी है, उसमें भी 50% का 50% नॉर्मल है, 50% कैरियर है। सन में भी जो 50% है वो 50% का नॉर्मल है और 50% कैरियर है। ये वही के वही चार्ट रिपीट होगा, मीन्स 25% ऑफ द डॉटर नॉर्मल, 25% डॉटर नॉर्मल एंड कैरियर, 25% सन नॉर्मल, 25% सन डिफेक्टिव। ए फर्स्ट प्रेगनेंसी इज ये चार में से कोई भी हो सकता है। सेकंड टाइम प्रेगनेंसी वंस अगेन ये चार में से कोई भी हो सकता है, बिकॉज एवरी टाइम दिस काइंड ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म एंड वो कोई भी फर्टिलाइजेशन करेगा। अब देखो तुमको समझ में आ गया होगा, तो तुमको हमने आगे के जो स्टडी करे वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस जैसे ही तुमको ये अपने बनाने हैंगे। तो बोलो तुम्हारा कौन सा बनाना है? नॉर्मल कैरियर मेल एंड फीमेल विल बी, सॉरी नॉर्मल कैरियर फीमेल एंड That male will be hemophilic and then after both are hemophilic. फिर बोलो hemophilic, hemophilic and male will be normal. ये तो तुमको दूसरे तीन चार्ट बनाने, कलर ब्लाइंड के भी ऐसे ही बनेंगे और हीमोफिलिया के भी यही बनेंगे। अगर जो तुम ये बरोबर समझ गए तो इसमें और कुछ ज्यादा करने का नहीं है। अब देखो ओपन योर पेज नंबर 89, वी विल गो टू द अवर बुक वर्डिंग्स, पेज नंबर 89, टॉपिक नंबर 5.8.2। वो 5.8.2 मैंने एक्सप्लेन किया था, ये 5.2.8.2 है। उसमें देखो हमने पेडिग्री एनालिसिस वो सब देखा था, इसमें से कितनों को प्रॉब्लम आया सर, इसमें कैसे स्टडी करने का वो हमको इतना आइडिया नहीं आया। हाँ वो डेफिनेट नहीं आएगा, हमको नंबर्स ऑफ चार्ट ऐसे रेडीमेड चार्ट जो पेडिग्री के हैं वो हमको स्टडी करने पड़ेंगे, और वो चैप्टर अब बस अबाउट टू ओवर आफ्टर टू वीडियो। जब वो हो जाएगा तो हम एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सो लुक हियर, दिस कलर ब्लाइंड नेट, इट इज अ सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कॉन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन डेट के जिसमें ये प्रॉब्लम आता है वो रेड एंड ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, दैट फेलो कैन नॉट आइडेंटिफाई डिस्क्रिमिनेट डिफ्रेंशिएट नहीं करता रेड एंड ग्रीन कलर, उसको दोनों एक एक जैसा ही दिखता है। So look here, this defect is due to the mutation in certain genes present in the X chromosome. बोलो ऐसे हम देखेंगे तो ये कलर को आइडेंटिफाई करना that is not related with the sex, male and female. But their genes are not present on the first chromosome to 22nd pair of the chromosome, but genes are present on the 23rd pair of the chromosome, and that 23rd pair may be कौन से पे? X पे हैगा। ने mutant जो बनता है वो mutant कैसा रहता हैगा? Recessive रहता हैगा। The disease defect is due to the mutation in certain genes present in the X chromosome. It occurs in about 8% of males and only 0.5% of the female. बोलो मेल, हमारी सोसाइटी में मेल में 8% पब्लिक ऐसी है मेल के जो कलर ब्लाइंड है, बट फीमेल को जब हम देखते हैं तो ओनली 0.4% आर द कलर ब्लाइंड। अब स्टूडेंट आके बोलते सर आपने तो बोला था कि 50% चांस रहते, इसमें 33% नॉर्मल चार्ट में वो, लेकिन हेरिडिटी में कब आएगा? तुमको ऐसा
एक कपल जाके ढूंढना पड़ेगा कि वो मेल भी कलर ब्लाइंड हो और फीमेल में भी कैरियर हो, या तो फिर फीमेल भी कैरियर ब्लाइंड हो। और ऐसा यूनिक कपल तो तुम घर घर जाके स्टडी करोगे, कितना ढूंढोगे, जब मुश्किल से कोई मिलेगा। ड्यू टू दैट रीजन हम नॉर्मल चार्ट में जो समझते हैं उससे भी उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, बहुत कम हैगी। ये टक्कर अबाउट 8% इन मेल्स एंड ओनली 0.4% इन फीमेल्स। दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोजोम। बोलो क्यों ऐसा हुआ? एक्स क्रोमोजोम तो समझ में आना चाहिए, फीमेल में दो एक्स है तो दोनों रिसेसिव बनने के चांसेस बहुत कम है। दोनों रिसेसिव बनेंगे तो ही वो कलर ब्लाइंड बनेगी, अदरवाइज दोनों नॉर्मल है तो वो फीमेल नॉर्मल लेगी, एक नॉर्मल ने एक रिसेसिव है तो कैरियर बनेगी बट वो तो नॉर्मल रहेगी। तो ड्यू टू दिस रीजन फीमेल्स आर वेरी लेस इन नंबर। मेल्स हैव ओनली वन क्रोमोजोम एंड फीमेल हैव टू एक्स। बोलो मेल में एक हैगा तो एक है तो यही एक रिसेसिव बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेल में क्या होता है, द कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, ये सब के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। द सन ऑफ वुमेन हु कैरियर्स कैरीज द जीन हैज 50% चांसेस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। बोलो क्या बोला है? द सन ऑफ वुमन हु कैरीज द जीन हैज 50% चांस ऑफ बींग कलर्स ब्लाइंड। द मदर इज नॉट हर सेफ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। अभी हमने जो समझा था, मदर कैसी है, कलर ब्लाइंड नहीं है। मदर कलर ब्लाइंड नहीं है बट उसके बोलो सन कोई चांसेस है। क्यों? सन को यहाँ से एक्स मिलता है, यहाँ से एक्स मिलता है, फादर में से सन को तो ओनली वाई मिलता है, तो बोलो यहाँ पे एक्स डोमिनेंट आएगा और साथ में वाई तो है ही, वाई को कुछ उसको कलर ब्लाइंडनेस के साथ नहीं है। यहाँ से वाई आएगा तो वाई को तो कलर ब्लाइंडनेस के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ से रिसेसिव आएगा। तो बोलो जब हम ये कंसीडर करेंगे तो हमको वाई तो कंसीडर करना ही नहीं है, वाई को तो कुछ उसको उसके साथ में रिलेशन है ही नहीं। तो सन को जब हम कंसीडर करते हैं तो बोलो सन के अंदर एक वाई को तो जाने दो, ये वाई को तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो आइदर एक्स विल बी डोमिनेंट और एक्स विल बी रिसेसिव। तो बोलो अगर जो कैरियर है मदर तो 50-50% चांसेस है सन में। दैट मीन्स दैट इट इज इट्स इफेक्ट इज सप्रेस बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। बोलो ये लेडी में क्या हुआ, वो नॉर्मल थी, उसका सन कलर ब्लाइंड बना बट वो नॉर्मल थी, बिकॉज ये रिसेसिव को ये डोमिनेंट ने सप्रेस कर दिया। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड। बोलो क्यों डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं होगी? अब बोलो डॉटर में देखेंगे तो फादर की तरफ से तो एक्स आने का आएगा, बोलो फादर की तरफ से एक्स का तो एक ही पॉसिबिलिटी हैगी एंड दैट इज द डोमिनेंट। तो वंस अगेन मदर में से, बोलो मदर में से आइदर वो डोमिनेंट आएगा या तो मदर में से क्या आएगा, रिसेसिव। तो बोलो एक डॉटर की चांस, एक चांस वो नॉर्मल, दूसरा चांस कौन सा, रिसेसिव। अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। बोलो अब अपने बोलो मदर कैरियर रहेगी और फादर कलर ब्लाइंड रहेगा तो वो चांस में बोलो डॉटर कैसी बनेगी, इफेक्टिव बनेगी। क्यों? मदर कलर ब्लाइंड है तो उसमें से एक्स आएगा, रिसेसिव में पॉसिबल नहीं, फादर में से तो रिसेसिव आना ही है, तो वो डॉटर क्या बनेगी, कलर ब्लाइंड। या अदर थिंग इज दैट बोलो यहाँ से फादर में से रिसेसिव आया और मदर में से डोमिनेंट आया तो कैरियर बना, मींस डॉटर बने उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है। सेम थिंग हीमोफिलिया, दिस सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू द सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड। अनअफेक्टेड कौन? फीमेल। फीमेल ऑल अनअफेक्टेड है, व्हाट डस इट मीन? फीमेल क्या है, कैरियर है। फीमेल कैरियर है तो बोलो फीमेल में से उसमें जाएगा तो डोमिनेंट भी जा सकता है और रिसेसिव भी जा सकता है। अब बोलो यहां से हम वाई को कंसीडर,
वाई तो रिलेटेड है ही नहीं, तो बोलो फीमेल में से सन में जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, बोलो फीमेल में अगर जो कैरियर है नहीं यहाँ से हम कंसीडर करेंगे तो बोलो क्या हुआ, यहाँ से डोमिनेंट आएगा नहीं यहाँ से डोमिनेंट आएगा। तो अगर जो ये डोमिनेंट वाला एक से यहाँ पे आता है तो यहाँ से तो एक एक्स डोमिनेंट है, मीन्स ये फीमेल कैसी रहेगी, डॉटर कैसी रहेगी, नॉर्मल। यहाँ से बोलो रिसेसिव आया यहाँ फादर में से तो डोमिनेंट, तो सी विल बी कैरियर। इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन डेट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड अफेक्टेड। कैस्केड एक के बाद एक जो रिएक्शन होता है, वन रिएक्शन हुआ उसका जो प्रोडक्ट बना वो अब रिएक्टेंट बन के दूसरा रिएक्शन करता है, तो उसको पूरा कंटिन्यूस चेन रिएक्शन जो होती है उसको कैस्केड कहते हैं। तो एक रिएक्शन हुआ उसका ये प्रोडक्ट हुआ, अब यही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन के एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है, अब यही रिएक्टेंट बन के एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है, अब यही एक करके, तो ऐसा जो कंटिन्यूस रिएक्शन होता है उसको कैस्केड कहते हैं। यहाँ एवरीवेयर कोई ना कोई एंजाइम जरूरी हैगा, एंजाइम इज नीडेड। सो व्हाट हैपन हियर, अ सिंगल प्रोटीन डेट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड प्रोटीन इन्वॉल्विंग इन द ब्लड क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड। ड्यू टू दिस एन अफेक्टेड इंडिविजुअल सिंपल कट विल बी रिजल्ट इन नॉन स्टॉपिंग ब्लीडिंग। द हेट्रोजाइगस फीमेल, हेट्रोजाइगस फीमेल, अब एक स्टूडेंट यह अंडरलाइन कर गया, सर हेट्रोजाइगस फीमेल होती नहीं है, ह्यूमन में तो होमोजाइगस, अरे एक्स क्रोमोसोम कंसिडर करेंगे तो वो रिगार्डिंग दिस एस क्रोमोसोम दैट फीमेल इज अ होमोजाइगस, बट बोलो जब हम उसके ऊपर के ये जो जीन कलर ब्लाइंड सब हीमोफीलिया में चले जाएंगे, तो हीमोफीलिया में गए तो हीमोफीलिया के लिए बोलो वो जीन डोमिनेंट है रिसेसिव है, तो हम अभी उसको एस क्रोमोसोम कंसीडर नहीं कर रहे, ये जीन को कंसीडर कर रहे, तो वो कंसीडर समय बोलो कैसी बनी वो लेडी, हेट्रोजाइगस, दैट इज कॉल्ड फीमेल कैरियर। ऑफ हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन, बोलो किसको ट्रांसमिट करेगी, सन को करेगी, क्योंकि वाई तो फादर में से आने का ही है। कोई अन्य बोलेगा सर डॉटर को, तो डॉटर को बोलो यहां से बोलो ये एच कर दो, यहां से बोलो डोमिनेंट आया और यहां से भी डोमिनेंट आया, तो डॉटर तो बोलो यहां से डॉटर में ये अपने बोलो कौन सा आया, रिसेसिव आया, और यहां से तो ऑलवेज डोमिनेंट आने का है, तो ये अपने नॉर्मल कैरियर बनी। बट सन में पॉसिबिलिटी है, आ वो भी पॉसिबिलिटी है कि सन बोलो कौन सा बनेगा, यहाँ से वो आया नहीं यहाँ से ही आया, मीन्स सन नॉर्मल भी हो सकता है ना, सन अफेक्टेड भी हो सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकम ए हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट वन कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिया। बोलो फादर हीमोफिलिक रहेगा क्योंकि फादर की तरफ से डॉटर को मिलता है, फादर हीमोफिलिक रहेगा और मदर कैसी रहेगी, हेट्रोजाइगस, तो फिर ये यहाँ से ये रिसेसिव स्पर्म आया और यहाँ से रिसेसिव ओवा आया, तो डॉटर कैसी बनेगी, हीमोफिलिक। बट ऐसा कपल रेयरली कोई होता होगा, हीमोफिलिक अनवियबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, वो ज्यादा ऐसी लड़की जीती भी नहीं है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ द क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ दिस डिजीज। बोलो क्वीन विक्टोरिया कैसी थी, ऐसी थी, बट उसके हस्बैंड ने सब नॉर्मल थे, नॉर्मल थे तो बोलो क्या हुआ, स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चला, जो डॉटर आई वो नॉर्मल आई, या तो बोले डॉटर आई कैसी आई, नॉर्मल बट कैरियर आई, सन आया तो बोलो सन कैसा आया, नॉर्मल आया, बट एक सन कैसा आया, हीमोफिलिक आया, तो फिर पता चला कि वो जो हस्बैंड था वो तो नॉर्मल, तो क्वीन कैसी थी, कैरियर, मीन्स वो क्वीन के फोर फादर में से उसमें आता गया, पता ही नहीं चला, यहाँ पे आके पता चला आफ्टर 7 और 8 जनरेशन। चलो ऐसा ही दूसरा एक सिकल सेल एनीमिया,
सिकल सेल एनीमिया दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग दैट बोथ द पेरेंट्स आर द कैरियर ऑफ द जीन्स। बोलो ये सिकल सेल एनीमिया क्या हैगा? तो अभी तक हमने जो रिसेसिव म्यूटेशन दैट इज रिलेटेड टू द एक्स क्रोमोसोम, बट सिकल सेल एनीमिया बोलो वो भी ऑटोसोम जीन है, ऑटोसोमल कैरेक्टर है, एज वेल एज उसका जीन कौन से क्रोमोसोम पे हैगा? तो उसका क्रोमोसोम भी ऑटोसोम है, एक्स नहीं है वाई नहीं है। आगे के दोनों एग्जांपल देखे, वो जीन ऑटोसोमल था बट उसका लोकेशन कहाँ था? एक्स क्रोमोसोम पे था, सेक्स क्रोमोसोम पे था एक्स। बट यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया है, वो जीन भी ऑटोसोमल है और उसका क्रोमोसोम भी ऑटोसोमल है, कोई भी पेयर हो सकती है फ्रॉम फर्स्ट टू 22nd पेयर, हमको पेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो सपोज कोई भी पेयर रहेगी तो मेल होएगा के फीमेल होएगा? ऑटोसोम क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज सेम, तो बोलो मेल एंड फीमेल दोनों में बोलो ये नॉर्मल भी रह सकते हैंगे, अलग अलग चांसेस नहीं है। बोलो दोनों में क्या रह सकता है? एक नॉर्मल एंड एक म्यूटेंट रह सकता हैगा, या तो क्या रह सकता है? दोनों म्यूटेंट रह सकते हैंगे, मींस इसमें मेल और फीमेल में अलग अलग पॉसिबिलिटीज नहीं है, सेम पॉसिबिलिटीज है। अब देखो थोड़ा ये सिकल सेल एनीमिया भी हम समझ लेते हैंगे। जब ऑक्सीजन अंदर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन से जाता हैगा, तो दैट हीमोग्लोबिन इज द फोर प्रोटीन चेन्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स, टू आर नोन एज अल्फा चेन्स एंड टू आर नोन एज द बीटा चेन्स। तो ये जो बीटा चेन है वो बीटा चेन के ऊपर उसका जो बीटा चेन बनाने वाला जीन है वो जीन डिफेक्टिव होता है तो एमआरएनए डिफेक्टिव हो जाता है, एमआरएनए डिफेक्टिव होता है तो बीटा चेन की प्रोटीन डिफेक्टिव हो जाती है, तो वो ऑक्सीजन को अच्छे से कैरिंग नहीं करता हैगा। ऑक्सीजन कैरिंग नहीं कर सकता है तो वो जो हमारा जो आरबीसी ऐसा जो रहता हैगा बाइकोन के हो, वो ऑक्सीजन को ट्रांसमिट करते वक्त ऐसा सिकल जैसा बन जाता है। सिकल मीन्स वो जो गार्डनर यूज करते हैं ना दातड़ू के थे, उसका जैसा बन जाता है, और उसके लिए उसको ऑक्सीजन पूरा बॉडी में सप्लाई भी नहीं होता और दूसरे दूसरे प्रॉब्लम होती है और वो चाइल्ड मर भी जाता है। दिस इज एन ऑटोसोम लिंक रिसेसिव, ये भी रिसेसिव ट्रेट डेट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन द बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन। दोनों पार्टनर कैरियर होंगे क्योंकि चांसेस दोनों में सेम है, मीन्स बोथ आर द हेट्रोजाइगस रिलेटेड टू डेट। बोलो मेल है तो मेल में एक्स वाई नहीं देखने का, एक्स वाई को भूल जाओ। बोलो मेल में क्या आएगा? तो जो भी क्रोमोसोम आएगा बोलो वो क्रोमोसोम में एक यानी कैसा आएगा, तो यहाँ पे उसका जो सिकल सेल एनीमिया का है वही लिखेंगे, हीमोग्लोबिन रिलेटेड है तो हम वो क्रोमोसोम को नहीं ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल है तो नॉर्मल को लिखेंगे ए, नहीं रिसेसिव को लिखेंगे एस। फीमेल है तो फीमेल भी बोलो कैसी आएगी, नॉर्मल एज एज वेल एज सेकंड उसका क्रोमोसोम कैसा है रिसेसिव, तो बोलो ये कैरियर है। बोलो अब यहाँ से सोचो क्या होगा, यहाँ से उसके गैमिट्स बनेंगे, तो बोलो गैमिट्स यहाँ से ओवा दो टाइप के बनेंगे। बोलो कौन सा बनेगा? नॉर्मल विद डोमिनेंट एज वेल एज द ओवा कैसा रिसेसिव, स्पर्म भी जो बनेगा तो बोलो डोमिनेंट वाला भी बनेगा नहीं रिसेसिव वाला भी बनेगा। तो बोलो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या होगा, ये स्पर्म का ये ओवा के साथ में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो बोलो दोनों जीन कैसे आए, डोमिनेंट मींस ये डोमिनेंट के चांस है। चलो ये जो है बोलो इसका इसके ने साथ में फर्टिलाइजेशन हुआ तो बोलो क्या हुआ, यहाँ से डोमिनेंट आया और यहाँ से क्या आया रिसेसिव, तो ये नॉर्मल रहेगा बट देट इज कंसिडर एज अ कैरियर। चलो ये स्पर्म का ये ओवा के साथ में फर्टिलाइजेशन हुआ तो बोलो क्या रहेगा, ये डोमिनेंट रहेगा नहीं ये रिसेसिव रहेगा, तो बोलो ये कौन सा बनेगा, नॉर्मल बट कैरियर। चलो ये स्पर्म का ये ओवा के साथ में फर्टिलाइजेशन हुआ तो बोलो ये क्या रहेगा, तो ये दोनों ये आएंगे तो बोलो ये अपने क्या क्या बनेगा, तो ये अपने बनेगा डिफेक्टिव डिसऑर्डर। तो बोलो यहाँ से क्या हुआ, ये 50% ऑफ द चांसेस आर द कैरियर, 25% आर ऑफ द डिफेक्टिव डिसऑर्डर, डॉटर कोई नहीं समझ ले, और 25% चांसेस आर फॉर द नॉर्मल। बोलो नॉर्मल और
डिजीज दोनों के चांसेस कितने होंगे? 25%। मींस क्या हुआ, 25% नॉर्मल, तो एक सेंट वाई भी गिनेंगे तो आधी आधी पॉजिटिव मेल एंड फीमेल की आएगी। तो बोलो 25% नॉर्मल मींस चांसेस ऑफ 12.5% वोट फॉर नॉर्मल डॉटर, 12.5% फॉर द कौन, नॉर्मल डॉटर की। तो यहाँ से बोलो 25% 25% नॉर्मल सन, बोलो यहाँ से 50% दोनों है तो बोलो क्या आएगा, 25% फॉर द कैरियर सन एंड 25% क्या आएगा, कैरियर डॉटर। चलो यहाँ से देखेंगे तो वंस अगेन बोलो डिजीज वाले के लिए कितना, 12.5% विद डिजीज एंड डॉटर, 12.5% विद डिजीज एंड सन। क्योंकि एवरी टाइम जो भी पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे हमने एक्स एंड वाई कंसिडर नहीं करा है, एक्स एंड वाई की 50-50%, तो जो डिजीज है उसमें से भी हमको 50-50% करना पड़ेगा। बट दे आर द कैरियर द डिजीज ऑफ द 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड, देखो 50% ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी थस एग्जिबिटिंग सिकल सेल ट्रेट, द डिफेक्ट इज कॉज बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड GLU जिसको लिखते हैं शॉर्ट में ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट द सिक्स पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अभी मैंने समझाया था हीमोग्लोबिन एज द टू चेन, 2R ऑफ द अल्फा एंड 2R ऑफ द बीटा, तो जो बीटा चेन है उस पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ऐसे जितने भी उसके एमिनो एसिड है, तो सिक्स पोजीशन पे बोलो कौन सा एमिनो एसिड आना चाहिए, तो वहां पे आना चाहिए ग्लूटामिक एसिड। इसमें भी सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड, ये भी वो सेम है, तो बोलो यहाँ पे भी बोलो क्या आना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड। बट बोलो डिफेक्ट आ गई, डिफेक्ट आई तो ग्लूटामिक एसिड के बदले वहां पे क्या आ जाता हैगा, वेलाइन। मींस ओनली वन पोजीशन बदला गई, एक ही पोजीशन बदला गई तो क्या हुआ बोलो, नाउ बरोबर है, सॉरी ये ऐसे चेंज हो गया, एक ही पोजीशन बदला गई तो बोलो क्या हो गया, पूरा वो चेंज हो गया, तो बोलो नाउ का बोलो रिवर्स में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन। ऐसा कुछ भी चेंज हो गया तो बोलो क्या हो जाता है, पूरा एमिनो एसिड से प्रोटीन चेंज हो जाता है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एमिनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सिक्स कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। अब इसके लिए हमको चैप्टर नंबर 6 है उसको आना चाहिए, अभी हमने चैप्टर नंबर 6 नहीं करा है, बट हम थोड़ा यहाँ से समझते हैंगे। बोलो यहाँ पे इन्होंने जो फिगर दी है पेज नंबर 90 पे, तो समझ में आना चाहिए कि उसका जो mRNA समझो आगे का DNA नहीं, mRNA का कोड क्या होता है सिक्स पोजिशन पे, GAG। वो GAG कोड रहेगा तो उसका सिक्स पोजिशन पे ग्लूटामिक एसिड आता है, नॉर्मल रहता है। बट mRNA जो है वो बोलो कौन सा बन गया, GUG बन गया, GUG बन गया, तो बोलो ये ग्लूटामिक एसिड है, वो ग्लूटामिक एसिड के बदले बोलो पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेलाइन आ जाएगा। अब कितने स्टूडेंट बोलते कि सर ये तो समझ में आ गया कि mRNA में कोई डिफेक्ट आई, अब ये भी तो जो डिफेक्ट आई, यू शुड हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ DNA। GAG वाला जो है उसका mRNA है, उसका DNA रहता हैगा, जी है तो सी, ए है तो टी सी, सी टी सी, और DNA में दो चेन रहती है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री GAG। बहुत डिटेल नहीं, एक कंफ्यूजन आता ही है अभी जहां तक समझ में नहीं, तो इतना हमने समझो mRNA वाला पोर्शन समझो, फिगर में ऊपर का पार्ट है, वो ऊपर का पार्ट चैप्टर नंबर 6 जब हम स्टडी करते हैं तो मैं डिटेल में समझाऊंगा। mRNA GAG आता है तो ग्लूटामिक एसिड सिक्स पोजीशन पे आता है, mRNA में सिक्स पोजीशन पे GAG म्यूटेंट होके GUG आ गया तो वेलाइन आ जाएगा, वेलाइन आ जाएगा तो दैट फेलो विल बी हीमोफिलिक, सॉरी सिकल सेल एनीमिया।
द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन उसके चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज होता आएगा अंडर द लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द आरबीसी फ्रॉम बाइकॉन्वेंट डिस्क टू द इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। हुआ इतना, इतना तुमको समझ में आना चाहिए। हमने तीन डिसऑर्डर समझे, बाकी के डिसऑर्डर नेक्स्ट टाइम लेंगे। और उसके ने बाद में जो एक्स्ट्रा मैंने तुमको हेरिडिटी के प्रॉब्लम सब चार्ट किए वो जो है वो हम स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।